ये देखिए गाइस, आज हम यम्मी टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। ये देखिए, एक पतीले में हमने दो ग्लास पानी ले लिया था, उसमें लाल मिर्च डाल दी है और हाफ कटोरी पीनट डाल दिया है और एक टमाटर डाल दिया है। इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो देखिए, पीनट हमारी बॉयल हो चुकी है और हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और पीनट और जो मिर्च है उसको अलग निकाल लेंगे और टमाटर को अलग कर देंगे। तो इन चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालकर पहले पीनट को ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद में हम देखिए, ये दरदरा ग्राइंड हुआ है, बढ़िया नहीं ग्राइंड हुआ, तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 स्पून पानी। तो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, 2 से 3 स्पून पानी डालने से ही ग्राइंड हो गया अच्छे से। अब ये जो टमाटर हमने रखा था उसका छिलका हटा दिया है ऊपर से और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, अगर आप अधिक लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, मगर हमें ज़्यादा लाल चटपटा कलर नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए देखिए जीरा डाल दिया है हमने 1/2 टेबल स्पून। ये कच्चा जीरा है, भुना हुआ नहीं है। ये डाल दिया हमने धनिया पाउडर, ये डाल दिया हमने गरम मसाला, ये डाल दिया हमने चाट मसाला और थोड़ा सा पानी। देखिए, ये सारा हम पीस लेंगे इसको और पीसने के बाद में ये देखिए पेस्ट बन गया, तो उसका बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमने पीनट अपनी ले ली थी बड़े पतीले में और एक बाउल में ले लिया था आटा। इसको हम डो लगाएंगे, तो सॉफ्ट डो लगाना है। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम कितना लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए हमारी पूरा बाउल आटा लग गया है। अब डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। देखिए, नमक अगर पहले डाल देते ना तो उसको पता नहीं चलता कि इसमें नमक कितना लगेगा, क्योंकि आटे की क्वांटिटी पर भी निर्भर करता है इस वजह से। तो ये देखिए, ऊपर से हमने कुछ ऑयल लगा दिया क्योंकि चिपक रहा था हमारे हाथ में। तो देखिए, 15 मिनट के लिए रख दिया सेट होने के लिए। अब इसके हम दो नाश्ते आपको बनाना बताएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए, दो पार्ट में हमने कर लिया है डो को। तो पहला नाश्ता आप देख सकते हैं, इस तरह से राउंड राउंड करके इसमें हम छेद कर देंगे। इसको आप पीनट्स के बड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े जो दही बड़े वगैरह मेदू बड़े वगैरह ऐसे बनते हैं ना, तो बस इसे आप पीनट के मेदू बड़ा भी बोल सकते हैं, या पीनट का नाश्ता, पीनट और आटे का, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो इसी तरह से हम सारे के सारे बना करके रख लेंगे। तो देखिएगा, सारे हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, पानी में बॉयल कर लिया है 2 ग्लास पानी, अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, बॉयल करते हुए पानी में अच्छे से डाल देंगे और इसे हम 10 मिनट पका लेंगे। 5 से 10 मिनट लगेगा। देखिए, अच्छे से ढक करके पकाएंगे और आप देख सकते हैं, आप भी देखिएगा, ये देखिए कितना ज़्यादा बड़े बड़े फूल कर हो चुके हैं। और ये पकने का इंडिकेशन यही है कि जब हमारे देखिए पके नहीं थे, तब आप देख सकते होंगे कि तली में बैठे थे, और जब नहीं पके पक गए हैं तो ये ऊपर आ चुके हैं। तो इसी तरह से हमने 10 से 15 मिनट पका लिया है अच्छे से। और अब चलिए देखते हैं, दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, इसको स्ट्रेनर में निकाल कर रख देंगे, ठंडा होने देंगे और तब तक हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो इस तरह से हम एक पराठे के आकार की लोई ले लेंगे, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसे हम पराठे की तरह बेल लेंगे। तो इसकी आप पूरी कचौड़ियाँ हैं या फिर पराठे हैं, जिस तरह से भी कम ऑयल में खाना चाहें तो आप इसे पराठा बनाकर खाएं, और अधिक ऑयल में अगर जिसे फ्राई वगैरह करके खाना चाहें तो आप इसकी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी। तो देखिए, हम बना रहे हैं पराठा, आपको जो समझ में आए वो आप बना लीजिएगा। देखिए, थिकनेस देख सकते हैं इसकी ऐसे। अब हमने तवे पर अपना डाल दिया है, तो ये देखिए अब हमारा सिक जाएगा। तो ये देखिए, हल्के से सिक गया है, ऊपर की सतह ड्राई हो गई थी, और उसको हमने पलट कर इस पर हम लगा देंगे ऑयल। तो ये देखिए, इस तरह से हल्का सा ऑयल करके लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से प्रोटीन युक्त सुबह का नाश्ता पराठा भी बन जाएगा। ये तो हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी करते हुए हम सेक लेंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा सा आटा बचाया था, उसमें 2 ही पराठे बनाए थे। तो और ये देखिए बनके तैयार है, अब दूसरा भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, दूसरा बर्तन ना करते हुए हम इसी तवे पर ही अपना वो बना लेते हैं। तो देखिए, हमने इस पर डाल दिया है 2 स्पून के करीब ऑयल, जो भी आप ऑयल खाएँ वो डाल दें, ज़ीरा, हींग, सरसों के दाने, और डाल देंगे हम अपने वही बड़े या जो भी नाश्ता नाम देना चाहें, और जो चटनी पीस कर रखी थी तीखी चटपटी सी वो डाल देंगे इस पर। देखिए, अभी हमने हल्दी नहीं डाली है, हम हल्दी डालेंगे अभी इसमें, क्योंकि अगर हम हल्दी पहले ही डाल देते तो वो जल जाती ऑयल में, क्योंकि हम थोड़ा सा नाश्ता बना रहे हैं। और अब बीच में जगह करके स्पेस हमने हल्दी डाल दी है, क्योंकि ये फ्राई हो जाएगी, कच्चापन नहीं बिल्कुल भी लगेगा आपको। तो देखिए, हल्दी डाल दी, अब मिक्स कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो आप कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, तो ऊपर से डाल देंगे कस्तूरी मेथी, जिससे कि महक बहुत अच्छे से आने लगेगी इसमें। इसको फ्राई कर लेंगे और ऊपर से अब हम ऐड करेंगे भुने हुए तिल। देखिए, आपके पास अगर भुने हुए तिल नहीं है तो जिस टाइम हमने जीरा ऐड किया था उस टाइम आप तिल डाल सकते हैं।
मगर हमारे पास भुने हुए रखे थे तो हमने ऊपर से डाल दिए, क्योंकि ऊपर से दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लुकिंग अच्छी आती है इस वजह से, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों नाश्तों को हम सर्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा पीनट का पराठा और पीनट का बड़ा बन करके तैयार है, यम्मी टेस्टी। और जो चटनी हमने उस पीनट पर डाली थी वही चटनी, तीखी चटनी सी, इसमें सर्व करेंगे। तो ये अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।